Hello students of class 7th. Today we are going to read a new chapter 6, Why the Snail is So Slow. We have already done chapter 4, its let's try questions. लेकिन हम लोगों ने CBSE pattern के according उसके word power, building blocks और writer's workshop को reduce कर दिया है, कम कर दिया है. उसके बाद में हमने chapter 5 भी chapter नहीं पढ़ा है, chapter के let's try 1, 2, 3 नहीं कर रहे हैं. उसके बाद में हम लोगों ने chapter 5 के word power और building blocks और writer's workshop किए थे. Now we are on chapter 6, Why the snail is so slow. तो स्टूडेंट, स्नेल को आपने देखा होगा पिक्चर्स में. स्नेल्स के ऊपर एक शेल होती है, कठोर सी, टफ सी शेल होती है. डू यू नो हाउ अ स्नेल लुक्स? क्या आपको पता है स्नेल कैसा दिखता है? आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये स्नेल है और इसके ऊपर एक शेल है पत्थर जैसी. हैव यू एवर सीन अ स्नेल एंड नोटिस इट मूवमेंट्स? क्या आपने स्नेल को देखा है और उसके मूवमेंट्स को कभी देखा है? वेयर डू यू थिंक द स्नेल्स लिव? आपको क्या लगता है स्नेल्स कहाँ पर रहते हैं? कैन स्नेल्स बी कॉल्ड एनिमल्स? आर स्लग्स एंड स्नेल्स सिमिलर? क्या स्नेल्स को हम एनिमल्स बोल सकते हैं? या फिर क्या स्लग्स और स्नेल सिमिलर होते हैं? स्लग क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लग एक छोटी सी, ये जो दूसरी पिक्चर में आपको ब्राउन कलर की स्लग दिख रही है, एक छोटी सी क्रिएचर होता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि लंबाई होता है, ठीक है, थिन और कॉम्प्लेक्स और लंबाई होता है. तो लेट्स बिगिन विथ इट. स्नेल्स आर स्लग्स फॉल अंडर द एनिमल किंगडम इन द क्लास ऑफ गैस्ट्रोपोडा. तो स्नेल्स और स्लग दोनों ही एनिमल किंगडम में गैस्ट्रोपोडा क्लास में आते हैं. तो गैस्ट्रोपोडा क्लास वो होती है जिनमें उनकी पीठ पे कुछ टफ स्टोन टाइप का मटेरियल होता है. तो गैस्ट्रोपॉड्स आर वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स बोथ इन द फॉर्म हैबिट एंड हैबिटेट. तो दोनों ही फॉर्म में होते हैं वो, हैबिट में और हैबिटेट में. दे आर बाय फार द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मोलस्कस. और गैस्ट्रोपॉड्स मोलस्कस के लार्जेस्ट ग्रुप्स होते हैं. मॉलस्कस मतलब कि टफ प्राणी. दे ऑक्यूपाई ऑल मरीन हैबिटेट्स रैंकिंग फ्रॉम ओशन बेसिन्स टू द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड अदर इनलैंड एक्वाटिक हैबिटेट्स इंक्लूडिंग सॉल्ट लेक्स. तो ऑक्यूपाई मतलब कि ये सभी जगह पे हमें मिल सकते हैं, ओशन बेसिन्स में, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में, इनलैंड एक्वाटिक हैबिटेट्स में, लेक्स में, सब जगह मिल सकते हैं. तो लेट्स कमिंग टू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. स्लिथर्ड मतलब स्लिट. तो स्लिट मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है उसको हम स्लिट बोलते हैं. यू मे हैव रीड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एवर एजेस. हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एनिमल्स सदियों से चेंज होते आ रहे हैं. जैसे आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इंसान भी पहले बंदर था लेकिन इवोल्यूशन होके आज वो इंसान है. तो द स्नेल टू हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम एंड बिकम द स्लो स्लीमी क्रिएचर इट इज़ टूडे. तो स्नेल भी टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है और आज वो सबसे धीरे और स्लिम क्रिएचर है जो कि हम आज जानते हैं उसको. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज लम्बरिंग. लम्बरिंग मतलब मूविंग क्लम्सिली, मतलब कि धीरे धीरे चलने वाला. वैंक्विश्ड. वैंक्विश्ड मतलब होता है डिफीटेड, मतलब हराना. विजल्ड. विजल्ड मतलब मूव क्विकली, जल्दी से मूव करना. प्रोविस मतलब आउटस्टैंडिंग स्किल. तो हम जो टैलेंट बोलते हैं उसका मतलब होता है प्रोविस. कंसीट मतलब टू मच प्राइड इन वन सेल्फ, खुद के ऊपर हमें घमंड हो जाता है उसको कंसीट बोलते हैं. वेन. वेन मतलब हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस एबिलिटीज और वर्थ. यानी कि खुद के अपीयरेंस पे या खुद की वर्थ पे या खुद की एबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा ही हम प्राउड करने लगते हैं, शो ऑफ करने लगते हैं, तो उसको वेन बोलते हैं. स्कॉर्नफुल मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट एक्सप्रेस करना मतलब कि किसी के साथ में अगर हम एग्री कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस करना. कंटेंडेंटली मतलब हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, खुश और सेटिस्फाइड. हॉस्पिटेबली मतलब वेलकमिंग टू गेस्ट को वेलकम करना. बरोड मतलब डग द ग्राउंड, ग्राउंड को डग करना मतलब ग्राउंड में खड्डा करना. स्नोबिश मतलब बिहेविंग इन अ वे शोइंग दैट यू आर बेटर एंड फ्रॉम हाई सोशल क्लास दैन अदर्स. मतलब कि इस वे में बिहेव करना कि आप दूसरों से ऊंची क्लास वाले हो. एक्सक्लूसिव मतलब बिलोंग टू वन पर्टिकुलर ग्रुप प्राइवेट. तो एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि किसी एक प्राइवेट पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करना. श्रीवाइस मतलब नैरो क्रैक, पतला सा क्रैक, हल्का सा. रिपर्फ्ड मतलब रिजेक्टेड ब्लंटली, मतलब क्लियर मना कर देना, रिजेक्ट करने देना, रिपर्फ्ड. चॉटल मतलब चकल, चॉटल मतलब चकल. इंट्रूडर्स. इंट्रूडर्स मतलब अनवांटेड पर्सन, मतलब कि ऐसा इंसान जो हम नहीं चाहते हैं
कि वो वहाँ पर हो। कंसीटेड मतलब प्राउड, घमंड, एक्सर्शन मतलब हार्ड वर्क, वेस्ट मतलब पुट इन अ नैरो स्पेस सो दैट इट कैन नॉट मूव इजीली। वेस्ट मतलब इतनी पतली जगह में वो निकल जा चला गया है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है। मॉर्सल मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, छोटा कम अमाउंट में फूड। कम्बरसम मतलब अनमैनेजेबल, मतलब कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए, वो कम्बरसम। प्रेडिकामेंट मतलब प्रॉब्लम। इमेजिनरी स्टोरीज ऑफन कैरी अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड टीचर्स अ स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन, इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे इमेजिनरी है, रियल है या नहीं डोंट नो, तो इमेजिनरी स्टोरी है, एक ड्रीमी स्टोरी है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि हमें लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा है। देर आर मैनी स्टोरीज दैट टीचर्स प्राइड एंड सेल्फिशनेस आर नेगेटिव क्वालिटीज़। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो हमें ये बताती हैं कि घमंड और सेल्फिशनेस नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द रैबिट एंड द टॉर्टोइस विच यू मे हैव रीड एज अ यंग चाइल्ड? क्या आपने रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी सुनी है जो आप जब आप छोटे थे? क्रैम्प्ड नॉट हैविंग इनफ स्पेसेस मतलब ज़्यादा जगह नहीं होना, तो उसको हम क्रैम्प बोलेंगे। इसके पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं, देन वी विल रीड अबाउट द चैप्टर। तो द चैप्टर इज द स्टोरी इज रिटन बाय संथीनी गोविंदन। संथीनी गोविंदन वॉज बोर्न ऑन 20 मार्च 1959। शी वॉज एन अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंग्लिश। चिल्ड्रंस लिटरेचर इंग्लिश में लिखने के लिए उनके पास अवार्ड हैं, अवार्ड विन जीते हुए उन्होंने। शी हैज़ रिटन मोर देन 50 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के लिए 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। हर बुक्स इंक्लूड पोइट्री, पिक्चर बुक्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। तो सभी उम्र के बच्चों के लिए उन्होंने पोइट्री, पिक्चर बुक्स और शॉर्ट स्टोरीज बुक्स बनाई हुई हैं। हर बुक्स ई हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस, उनकी बुक्स को बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जाता है। रीडिंग एंड कंप्रेंशन, लेट्स रीड द चैप्टर। रीड द स्टोरी ऑफ अ स्नेल हु लूजेज इट्स स्पीड एंड बिकम्स स्लो बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। हम एक स्नेल की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो अपनी स्पीड बहुत लूज कर देता है, मतलब कि खो देता है, और वो स्लो बन जाता है उसके एटीट्यूड के कारण। लॉन्ग अगो व्हेन मदर अर्थ वॉज यंग एंड एनिमल्स लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वे दे आर नाउ, द स्नेल वॉज क्वाइट डिफरेंट टू। तो बहुत सालों पहले जब हमारी अर्थ यंग थी, और मतलब बहुत सालों पहले, कई साल पहले, तब क्या होता था कि एनिमल्स अभी जैसे दिखते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते थे, एंड स्नेल भी थोड़ा सा डिफरेंट था उस टाइम पे। तो ही वॉज अ लॉन्ग स्लीम क्रिएचर विथ अ वेरी लाइट एंड सॉफ्ट ब्राउन बॉडी। वो लंबा पतला सा क्रिएचर था जिसकी बहुत लाइट, बहुत हल्की और सॉफ्ट ब्राउन बॉडी थी, एंड अ टीनी लिटिल कर्ली टेल, और उसकी टेल, उसकी जो पूंछ थी वो भी कर्ली थी और छोटी सी थी। ही हैड नो फीट एंड लेग्स विथ विच टू रन, बट इवन सो ही वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिएचर इन द एनिमल किंगडम। तो उनकी फीट और लेग्स नहीं थे, यानी कि जो हमारी फीट्स होती है, हमारे पैर होते हैं, वो उसके नहीं थे स्नेल के, लेकिन उसके बाद भी वो सारे क्रिएचर्स में से फास्टेस्ट एनिमल था एनिमल किंगडम में। ही स्लिथर्ड अलोंग द ग्राउंड विथ अ लाइटनिंग स्पीड। तो वो ग्राउंड पे इस तरीके से स्लिथर करते थे, स्लिथर मतलब कि निकल जाना, स्लिप करके निकल जाना, जैसे कि स्लिथर मतलब चिपचिपा भी होता है और फास्ट तरीके से निकल जाना वो भी होता है। तो वो स्लिथर करते थे बहुत लाइटनिंग स्पीड से, मतलब बहुत फास्ट स्पीड से। स्ट्रेचिंग एंड आर्किंग इज बैक हाई, और वो अपनी बैक को ऊपर कर कर के फिसलते हुए जाते थे। एंड ही मूव्ड सो फास्ट दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप अप विथ, और इतने फास्ट चलता था स्नेल कि उसके साथ में कीप अप करना, उसके साथ में चलना दूसरे एनिमल्स के लिए मुश्किल होता था। रैपिडली ग्लाइडिंग स्नेक्स मतलब कि बहुत तेज चलने वाले सांप, हॉक आइड आउल्स मतलब ईगल की आइज वाले आउल्स, इवन लीपिंग फ्रॉग्स और फ्रॉग्स जो मेंढक होते हैं, फाउंड डिफिकल्ट टू कैच हिम एज ही ज़िप्ड अक्रॉस द ग्राउंड ऑन हिज स्मूथ पैली। उन वो लोग भी उसको कैच नहीं कर पाते थे जब वो अपनी स्मूथ पैली को लेकर ग्राउंड पर जिप करता था। लीविंग बिहाइंड अ फाइन ट्रेल ऑफ सिल्वर टू शो दैट ही हैड बीन देयर, और वो अपने पीछे एक सिल्वर लाइन छोड़ देता था स्नेल, ताकि वो पता चल सके कि वो वहाँ पर था। The snail liked to challenge other small creatures of his netherfoot to run a race and to see who would win. Snail को दूसरे animals को, दूसरे छोटे छोटे creatures को challenge देना बहुत अच्छा लगता था जो उसके neighbor में रहते थे, और वो race लगाते थे कि कौन जीतेगा। And how proud he was when he come out the victor, और जब वो जीतता था तो बहुत ज़्यादा खुश होता था, proud होता था अपने आप पे। The slow lumbering turtle जो कि धीरे से चलता है turtle,
द क्रस्टी क्रैब, यानी कि क्रैब मतलब केकड़ा, जिसकी क्रस्टी मतलब कि उसकी जो स्किन होती है वो पपड़ी जैसी होती है. तो क्रस्टी क्रैब विथ 8 bow legs, जिसके 8 legs होते हैं, एंड इवन द अगली बाउंसी टॉड, टॉड मतलब भी मेंढक, तो वो मेंढक भी वर लेफ्ट फार बिहाइंड इन एवरी रेस ही चैलेंज दैम टू. तो ये सभी हर रेस में पीछे रह जाते थे जब भी स्नेल उनको चैलेंज करता था. द स्लिपरी एल एंड क्वाइटली स्लाइडिंग वाटर स्नेक वर ऑल्सो वैंक्विश्ड बाय द स्विफ्ट स्नेल हु वॉज ऑलवेज विजल पास द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट. तो स्लिपरी एल और क्वाइटली ग्लाइडिंग वाटर स्नेक वाटर में रहने वाले दो क्रिएचर्स हैं. तो ये स्नेक और एल भी हार जाते थे स्विफ्ट स्नेल से. स्विफ्ट मतलब कि तेज़ी से चलने वाले स्नेल से, जो कि हमेशा विजल यानी कि जीत जाता था और फिनिशिंग लाइन को फर्स्ट पास करता था. All this victory soon challenged the snail's attitude, and his pride in his speed and prowess changed to conceit. तो ये सारी जीत के कारण स्नेल के एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. तो उनकी स्पीड में जो उनको प्राउड होता था, और उनकी स्पीड और उनकी प्रोनेस में जो उनको प्राउड होता था, वो अब चेंज हो गई थी कंसीट में. कंसीट मतलब घमंड में, तो गर्व अब घमंड में चेंज हो गया था. वाइल ही वॉज मेयरली वेन अर्लियर, मतलब कि पहले भी वो अपने आप पे प्राउड करते थे. वेन मतलब कि अपनी एबिलिटी पे प्राउड करना. नाउ ही बिकम सो स्वॉलन हेडेड एंड पफ्ड अप दैट ही वॉज अनप्लेजेंट टू हैव अराउंड. लेकिन अब वो प्राउड नहीं करते थे, अब वो उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा बात चढ़ गई थी, और इतने ज़्यादा वो अब घमंड में रहता था स्नेल कि उसके वो कोई उसके आसपास रहना पसंद नहीं करता था. अनप्लेजेंट होते थे लोग, खुश नहीं होते थे. ही वॉज रूड एंड एक्सट्रीमली स्कॉर्नफुल ऑफ हिज नेबर्स. वो बहुत रूड हो गया था और अपने नेबर्स के साथ बहुत स्कॉर्नफुल हो गया था. स्कॉर्नफुल मतलब कि उनको डिसरिस्पेक्ट करता था, स्पेशली व्हेन इट वॉज हाउस हंटिंग टाइम एंड ऑल द क्रिएचर्स वर लुकिंग फॉर कंफर्टेबल होम फॉर देमसेल्व्स. स्पेशली तब वो रूड हो गया था जब हाउस हंटिंग टाइम था, मतलब सारी क्रिएचर्स अपने लिए कंफर्टेबल घर ढूंढ रहे थे. द फैट टॉड वॉज फर्स्ट टू फाइंड द नाइस प्लेस ऑफ हिज ओन. फैट मेंढक, टॉड मतलब मेंढक, तो मेंढक को सबसे पहले अपनी एक प्लेस मिल गई. इट वॉज अ सेफ कूल मडी प्लेस अंडर अ लार्ज रॉक. बड़ी सी रॉक के नीचे एक सेफ ठंडी सी और मडी मतलब कि मिट्टी वाली जगह थी. एंड ही सेटल्ड इन टू कंटेंटली विथ अ सेटिस्फाइड क्रॉक. और वहाँ पर वो हैप्पीली कंटेंटली मतलब हैप्पीली एंड सेटिस्फाई. तो सेटिस्फाई होके वो वहाँ पर सेटल हो जाता है टॉड, और सेटिस्फाइड क्रोक देता है. तो टॉड की जो आवाज़ होती है उसको हम क्रोक बोलते हैं. कम एंड सी माई होम ही कॉल्ड आउट प्राउडली टू द स्नेक स्नेल. तो स्नेल को बुलाता है और इनवाइट करता है और बोलता है कम एंड सी माई होम, मेरा घर आकर देखो. द स्नेल हरी टू द स्पॉट, और स्नेल फटाफट उस स्पॉट पे चला जाता है. द हैप्पी टॉड गेव हिम अ वार्म वेलकम. तो हैप्पी टॉड उन्हें वेलकम करता है, स्वागत करता है. एंड एज द स्नेल लुक अराउंड द टॉड सेड हॉस्पिटेबली यू कैन ऑल्सो मूव इन हेयर विथ मी इफ़ यू लाइक. तो स्नेल जैसे ही वहाँ पर जाता है, हैप्पी टॉड उनको वार्म वेलकम देता है, और स्नेल जैसे ही आसपास देखता है तो टॉड बोलता है खुश होकर, उत्साह से बोलता है कि तुम यहाँ मेरे साथ भी रह सकते हो इफ़ यू लाइक. देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एंड आई एम लुकिंग फॉर अ रूममेट टू. तो यहाँ पर बहुत जगह है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ कोई रूममेट भी हो. उफ, सेड द स्नेल रूडली, वॉट अ टेरिबल प्लेस दिस इज़, आई वुडंट ड्रीम ऑफ मूविंग इन विथ यू. मतलब कि स्नेल रूडली बोलता है कि ये कैसी टेरिबल प्लेस है, कैसी गंदी शेबी जगह है, और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता. अ सुपीरियर क्रिएचर लाइक मी नीड्स अ सुपीरियर प्लेस टू. मेरे जैसा सुपीरियर क्रिएचर, मेरे जैसा सबसे अच्छा क्रिएचर एक सुपीरियर प्लेस डिजर्व करता है. सो सेइंग ही डैश्ड अवे, और इतना कह के वो वहाँ से दूर चला जाता है. ही सून पास्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री. As he looked up, he saw that it was bustling with activity. तो जैसे ही वो लास्ट पास होते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ दिखता है स्नेल को. जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस ट्री में. अ लार्ज स्क्वायरल विद बशी टेल. लार्ज स्क्वायरल बड़ी सी गिलहरी जिसकी बशी टेल थी, टेल बहुत ज़्यादा मोटी थी. विच हैड मेड स्नग होम इन अ डिप होल इन द ट्री ट्रंक. और जो उसकी जो स्क्वायरल ने क्या किया था कि एक होम बनाया था ट्रंक में होल करके, ट्री की जो ट्रंक थी उसमें होल करके. एंड पीप्ड आउट एट हिम. तो स्क्वायरल उसमें से, उस होल में से उसको देख रही थी. अ पेयर ऑफ पीजन्स वर बिजी बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन वन ऑफ द हायर ब्रांचेस ऑफ द ट्री. पीजन्स का एक पेयर नेस्ट पे अपना नेस्ट बना रहा था ट्री की हायर ब्रांचेस पे. एंड अ स्मॉल ब्लैक बैट वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन एंड स्लीपिंग पीसफुली. और एक चमगादड़ उल्टा वहाँ पर अपसाइड डाउन
लटका हुआ था ब्रांच पे और उस सो रहा था. अ लिटिल ब्लैक माउस हैड बर्रोड इनटू अ लिटिल होल नियर द रूट्स ऑफ द ट्री. ट्री की रूट्स के पास में एक छोटे से माउस ने, ब्लैक कलर के माउस ने, एक गड्ढा बनाया हुआ था. एंड द स्नेल कुड सी लॉट्स ऑफ अर्थवर्म्स एंड स्पाइडर्स हु आर ऑल्सो लिविंग ऑन द ट्री. और स्नेल ने बहुत सारे अर्थवर्म और स्पाइडर को भी देखा जो कि उस ट्री पर रह रहे थे. इट वॉज लवली प्लेस टू लिव, क्वाइट पीसफुल एंड शेडी. ये प्लेस बहुत अच्छी है, शांति है यहाँ पर, लेकिन शेडी है, मतलब कि वहाँ पर धूप भी नहीं है. बट द स्नेल शुक हिज हेड एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज नॉट द होम फॉर हिम. लेकिन फिर भी स्नेल ने सोचा कि नहीं, ये मेरा घर नहीं बन सकता. टू मैनी अदर्स आर लिविंग देयर टू. यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग भी तो रह रहे हैं, ही मर्मर्ड. वो उसने अपने मन में सोचा. एंड आई डोंट वॉन्ट दैट, और मैं वो नहीं चाहता. आई वॉन्ट अ प्लेस ऑल टू माई सेल्फ. आई एम आफ्टर ऑल द फास्टेस्ट क्रिएचर अराउंड. मैं अपने लिए एक ऐसी प्लेस ढूंढना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हो, और मैं पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रिएचर हूँ, तो मैं अकेला ही रहूँगा, मैं सबके साथ में नहीं रहूँगा. ये स्नेल का एटीट्यूड था. The snobbish and selfish little snail continued on his way looking for a home. और अभी जो snobbish और selfish snail था, snobbish मतलब ऐसा attitude कि मैं upper class में हूँ, तो वो attitude और जो selfish snail था उसने अपना घर ढूंढने का रास्ता continue किया. He came across a little ant hill teeming with hundreds of little red ants. फिर उसको एक ant hill मिली जहाँ पर बहुत सारी लाल चींटियाँ अपना घर बना रही थी. They were too busy to notice him. वो इतनी busy थी कि उन्होंने उसको notice भी नहीं किया. And he decided that exclusive colony was obviously no place for him. और फिर उसने decide किया कि ऐसी colony उसके लिए तो place बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी ने उसको attention ही नहीं दिया. He met a crab who lived in snug little survive in a stone wall. उसके बाद में वो एक केकड़े से मिला जो कि stone wall मतलब पत्थर की दीवार में छोटे से service में रहता था. And the crab pointed out helpfully that the wall had plenty more of such cubby holes. और फिर क्रैब ने उसे बताया स्नेल को कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दूसरे होल्स भी हैं. एंड द स्नेल कुड इजीली मूव इनटू वन ऑफ देम. और स्नेल को उन्होंने ऑफर किया क्रैब ने कि तुम इसमें इजीली मूव कर सकते हो. बट द स्नेल रिबफ्ड, उन्होंने ब्लंटली रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया. एंड द क्रैब्स अटेम्प्ट्स एट नेबरली बिहेवियर विथ अ रूट्स नॉट. तो ये जो क्रैब के अटैम्प्ट थे कि वो उसको नेबर बनाना चाहता था, लेकिन रूट्स नॉट के साथ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और स्प्रिंटेड अवे, मतलब कि दूर चला गया. As he was running without looking where he was going, जैसे ही वो दौड़ रहा था उसने देखा भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है. He banged into a round hard object. और वो दौड़ते दौड़ते बिना देखे एक गोल हार्ड पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया. He rubbed his head and looked at the object carefully. उन्होंने अपने सिर को रब किया स्नेल ने और उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखा. It was a large brown cone shaped shell. ये एक लार्ज ब्राउन कलर की कोन शेप की शेल थी, मतलब कि पूरी स्पाइरल शेप में थी, घूमी हुई थी. It looked very attractive and as the snail poked his head into it carefully he found that there was no one in it. वो बहुत ज़्यादा attractive दिख रही थी और जैसे ही स्नेल ने उसके अंदर अपना हेड डाला उनको दिखा कि उसके अंदर और कोई भी नहीं रहता था. With a little chortle of delight, मतलब खुशी से, the snail decided then this was the perfect home for him. तो अब स्नेल ने डिसाइड किया कि ये उसके लिए परफेक्ट होम है. इट हैड रूम ओनली फॉर हिम सो ही वुड नॉट हैव टू स्पेयर स्पेस विथ एनी वन. और इस घर में सिर्फ उन्हीं के लिए जगह है, उन्हीं के लिए इस रूम में जगह है, और इसलिए उनको किसी के साथ शेयर भी स्पेस शेयर भी नहीं करनी पड़ेगी. इट वॉज़ वेरी सेफ टू एंड नो अनवेलकम इंट्रूडर्स कुड एवर इंटर इट. और ये सेफ भी था और बिना बुलाए कोई और इंट्रूडर्स भी इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं. इट वॉज़ द परफेक्ट होम फॉर द अनसोशलेबल एंड रेदर कंसीटेड स्नेल. तो स्नेल ने क्या सोचा कि जो सोसाइटी के साथ नहीं रहना चाहता था और बहुत प्राउड था, तो ऐसे स्नेल के लिए ये परफेक्ट होम है. ही क्विकली क्रिप्ट इन टू द शेल. वो शेल के अंदर चला गया. क्रिप्ट मतलब कि वो वहाँ पर रैंक कर चला गया, उस शेल के अंदर चला गया. एंड विथ अ लिटिल ट्विस्टिंग एंड टर्निंग फाउंड दैट ही फिटेड इन वेरी स्नगली. और थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न एडजस्ट करने के बाद उसको पता चला कि वो बहुत अच्छे से उसमें फिट हो चुका है. His little tail was hidden from view, of course. मतलब उसकी छोटी सी टेल छुप चुकी थी उसके अंदर जाने से.
बट ही डिड नॉट माइंड दिस मच, इस लेकिन उसने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया, एज दिस वुड ओनली बी वैन ही वॉज एट होम. तो उसने सोचा कि मेरी टेल सिर्फ तभी छुपेगी जब मैं अपने घर पर रहूँगा. देन ट्राइड फ्रॉम ऑल हिज एक्सर्शंस द स्नेल क्लोज हिज आइज एंड फ्लेड असलीप. और बहुत सारे इतने सारे एक्सर्शंस के बाद, इतने सारे अटैम्प्ट के बाद वो थक गया था, टायर हो गया था. तो थकने के बाद वो सो गया अपनी आँखें बंद करके. वैन ही वॉक अप अ लिटिल लेटर ही फेल्ट क्वाइट रिफ्रेश एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ रन इन सर्च ऑफ फूड. जब वो उठा थोड़ी देर बाद तो उसने डिसाइड किया कि मैं फूड की सर्च करने के लिए बाहर जाऊंगा रनिंग करने. ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ हिज शेल. उस शेल में से उसने बाहर निकलना चाहा, थिंकिंग दैट ही कुड स्लाइड आउट इजीली. उसने ये सोचा कि मैं इजीली स्लाइड आउट बाहर निकल जाऊंगा. बट टू हिज डिसमे ही फाउंड दैट ही वॉज वेज सो टाइटली इनटू इट दैट ही कुड नॉट मूव फ्रीली. लेकिन अब उसकी बदकिस्मती थी कि वो उसमें इतना टाइटली फंस चुका था कि अब वो मूव नहीं कर पा रहा था. Sticking his head out, he began to struggle furiously with all the energy he had, but it was of no use. तो अपने head को बाहर रख के सिर्फ head से वो इतनी energy लगा रहा था कि उसमें से वो निकल सके, struggle कर रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था. It was of no use. As much as he tired, he could not get his body out of the shell or shake it off. And finally, in disappointment and exhaustion, he gave up for the time being. जितना वो थक चुका था तो अपनी बॉडी को कितना ही शेक करने के बाद भी उसकी बॉडी को वो बाहर नहीं निकाल पा रहा था. और फाइनली डिसअपॉइंटमेंट के साथ में वो समय के साथ में मतलब थक जाता है और हार जाता है समय के सामने. बट ही वॉज स्टिल वेरी हंग्री एंड वॉज लूजिंग हिज पास्ट हिज मील टाइम. तो अभी भी बहुत ज़्यादा भूखा था और अपने मील टाइम को वो याद कर रहा था. सो ही डिसाइडेड टू हरी अलॉन्ग टू गेट अ टेस्टी मॉर्सल फॉर हिमसेल्फ. तो वो जल्दी चलना चाह रहा था कि वो खुद के लिए थोड़ा सा खाना, टेस्टी खाना निकाल ले. ही ट्राइड टू आर्क हिज बैक इन यूजुअल वे बिफोर ही स्टार्टेड हिज स्प्रिंट. ही फाउंड टू हिज हॉरर दैट द शेल विच वॉज क्लाइंगिंग टू हिज बैक वॉज वेरी कंबरसम. तो जैसे ही वो एज यूजुअल वे में चलता था, वो अपनी बैग को आर्क बना के चलता था, तो वो जैसे ही स्टार्ट करता उसको पता चला कि जो शेल उसकी ऊपर टिक चुकी है अब, तो वो शेल कम्बरसम है, मतलब अनमैनेजेबल है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है. इट वॉज हैवी टू, ये बहुत हैवी भी थी. एंड ही रियलाइज दैट ही कुड ओनली क्रॉल लॉन्ग एट अ वेरी स्लो पेस. और उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं इस शेल के साथ में बहुत धीरे धीरे सिर्फ क्रॉल कर सकता हूँ, रेंग सकता हूँ. गैस्पिंग एंड पेंटिंग ही ट्राइड वेरी हार्ड टू रीगेन सम ऑफ हिज ओल्ड स्पीड बट इट वॉज इम्पॉसिबल. फिर भी उसने कैसे ना कैसे कोशिश करके, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वो अपनी पुरानी स्पीड को फिर से पा ले, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल था. द स्नेल विच हैड बीन द फास्टेस्ट क्रिएचर हैड बिकम ड्यू ऑन हिज ओन सेल्फिशनेस द स्लोएस्ट. तो स्नेल जो कि पहले बहुत फास्टेस्ट क्रिएचर हुआ करता था, अब वो अपनी सेल्फिशनेस के कारण सबसे स्लोएस्ट, सबसे धीरे चलने वाला क्रिएचर बन चुका था. एज द प्रेडिकमेंट सांक इन ही वॉज हॉरिफाइड. और जैसे ही उसे ये पता चला वो डर चुका था. द शेल विच ही इट सीम द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव. वो शेल जो उसको लगती थी कि वर्ल्ड में रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ सीम टू बी क्रैम्प्ड. और अब उसी के लिए वो शेल क्रैम्प बन चुकी थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्डन बन चुकी थी उसके ऊपर. एंड इट वॉज़ एन इनॉर्मस बर्डन दैट ही वुड हैव टू कैरी ऑलवेज. और ये बहुत बड़ा बोझ लग रहा था जो उसको अब हमेशा उठाना पड़ेगा. द स्नेल क्राइड हॉट टीयर्स आउट ऑफ रिग्रेट एंड विश्ड हार्टेडली दैट ही हैड नॉट बीन सो कंसीडर्ड एंड सेल्फिश. और अब उसको दिल से ही रियलाइज़ होता है कि उसको इतना घमंड और इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए था. बट ऑल हिज रिग्रेट्स वर ऑफ नो यूज़. लेकिन उसकी ये सारी रिग्रेट्स किसी काम की नहीं थी. टू दिस डे ही क्रॉल्स अलॉन्ग वेरी स्लोली विथ हिज टेल हिडन आउट ऑफ साइट. तो आज तक वो बहुत धीरे धीरे ही क्रोल करता है स्नेल, और उसकी जो टेल है वो किसी को दिखती भी नहीं है. एंड द शेल इज ऑन हिज बैक फॉर एवर. और शेल हमेशा उसके बैक पे रहती है. सो दिस इज द चैप्टर. यू हैव अंडरस्टैंड इट. राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी एंड कीप स्टडिंग.